छठ पर्व के दौरान गंगा के घाटों पर उमड़ने वाले लाखों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन ने 20 घाटों को संवेदनशील और खतरनाक घोषित कर दिया है। यानी इन 20 घाटों पर श्रद्धालु छठ पर्व नहीं मना पाएंगे। पिछले साल जहां पटना प्रशासन ने 32 घाटों को खतरनाक घोषित किया था, वहीं इस साल खतरनाक घाटों की संख्या में कमी आई है। श्रद्धालु अब बाकी बचे 67 घाटों पर डूबते सूरज और उगते सूरज को अर्घ्य दे सकेंगे। पटना प्रशासन ने जिन घाटों को खतरनाक घोषित किया है उनमें अदालतगंज घाट, बांकीपुर क्लब घाट, रामजीचक घाट, नहर घाट और कृष्णा घाट प्रमुख हैं। इन घाटों तक श्रद्धालु ना पहुंचे, इसके लिए इन घाटों की बैरिकेडिंग की जा रही है और पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को इन घाटों पर पहुँचने से रोका जा सके। पटना के डीएम संजय अग्रवाल ने बताया है कि जिन 20 घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है वहां पर श्रद्धालुओं के लिए विकल्प के तौर पर तालाब का निर्माण किया जा रहा है। इससे सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। पटना डीएम ने सोमवार को गंगा घाटों का निरीक्षण किया और कहा कि किन किन घाटों पर श्रद्धालु पूजा अर्चना कर सकेंगे, इसकी अंतिम सूची 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। छठ पूजा बिहार का मशहूर पर्व है और इस पर्व को मनाने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का हुजूम गंगा घाटों पर होता है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन के लिए बेहद अहम है और प्रशासन किसी भी कीमत पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा से चूक नहीं कर सकता। देखते रहिए डीबी लाइव।